बच्चों लोग, हम लोग ज्योमेट्री क्लास में जो हम कवर कर रहे थे, ठीक है, तो उसी प्रोसेस में हम लोग सिस्ट्रांस एसोमिज्म क्या होता है हम लोग कवर कर चुके हैं। सिस्ट्रांस का इम्पैक्ट क्या पता है प्रॉपर्टीज पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, पोलरिटी पे, मेल्डिंग पॉइंट पे, ये हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा फोकस रहेगा ई एन जेड सिस्टम। तो ज्योमेट्री क्लास में ई एन जेड सिस्टम को हम लोग कवर करने वाले हैं आज। ठीक है, तो ये इंजेस्ट सिस्टम बेसिकली एक नेमिंग का टाइप है, मतलब जहाँ पे हम सिस्ट्रांस का नाम एसोसिएट नहीं कर पाएंगे वहाँ पे हम ईजेड बोल देंगे। ठीक है, तो ईजेड बेसिकली नेमिंग का एक टाइप है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को नेम करने का एक टाइप होता है ई एनजेड सिस्टम। ठीक है, ध्यान ना, तो ई का मतलब क्या होता है, ई का फुल फॉर्म होता है एंटीजन, इसका मतलब होता है अपोजिट, जेड का मतलब जुजामेन, इसका मतलब होता है सेम। ठीक है, इसको आप सोच सकते हो कि अगर सिमिलर प्रायोरिटी का ग्रुप, अगर सिमिलर प्रायोरिटी का ग्रुप अगर अपोजिट साइड होगा, जैसे मान लेते हैं इसमें एक हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे, वो हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। तो बोला क्या जा रहा है कि अगर सिमिलर प्रायोरिटी का ग्रुप, जैसे मान लेते प्रायोरिटी नंबर 1 एंड 1, तो प्रायोरिटी नंबर 1 1 दोनों अगर अपोजिट होगा तो उसको बोलते हैं ई फॉर्म, ई मतलब अपोजिट। ठीक है, और अगर प्रायोरिटी नंबर 1 1 दोनों सेम साइड होगा तो उसको बोला गया जेड। तो ये प्रायोरिटी हम डिसाइड कैसे करते हैं, मतलब किसको प्रायोरिटी 1 देंगे, किसको 2 देंगे, डिसाइड कैसे होता है, ध्यान देना। ठीक है, तो ध्यान देना, हम लोग जो प्रायोरिटी देते हैं तो किसी एक कार्बन के पास दो ग्रुप अटैच होता है, अगर डबल बॉन्ड से लिंक होता है कार्बन तो उस कार्बन से दो ग्रुप अटैच होगा उसको हम वन, तो हम इस दो ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। मतलब यहाँ पे आपको चार ग्रुप, अगर किसी कार्बन में अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ग्रुप नंबर ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, तो हम प्रायोरिटी इन चारों को देख के नहीं देते हैं। मेरा फोकस क्या होता है कि हम दो ग्रुप एट ए टाइम देखेंगे। मतलब मान लेते हैं हम तो सेम कार्बन से लिंक जो ग्रुप होता है उसको हम चेक करते हैं, जैसे मान लेते हैं ए और बी सेम कार्बन से लिंक है तो हम ए और बी में चेक करके प्रायोरिटी देंगे कि ए में और बी में किसको 1 बोलना है, किसको 2 बोलना है। ठीक है, सिमिलरली हम जो सेकेंड कार्बन है तो यहाँ पे सी और डी ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो हम इस सी और डी को देख के प्रायोरिटी देंगे कौन 1 और कौन 2 होगा, कौन 1 और कौन 2 होगा। तो फॉर द टाइमिंग अगर हम एज्यूम करते हैं कि अगर ए और बी में ए का प्रायोरिटी नंबर 1 है, यानी ये प्रायोरिटी नंबर 1 लेगा मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं और सी और डी में डी को मान लेते हैं डी डी का प्रायोरिटी नंबर 1 है मान लेते हैं हम लोग, तो ये जो देखोगे तो इसका टाइप हो, इसको बोलते हैं ई टाइप, इसको बोलेंगे हम ई टाइप, यानी जो जो प्रायोरिटी नंबर 1 है वो अपोजिट साइड में है। ठीक है, सेम क्वेश्चन में अगर बोला जाएगा कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास ग्रुप अटैच है यहाँ ए बी सी एंड डी, तो अगर हम मान लेते हैं कि ए और बी में प्रायोरिटी नंबर जो 1 है, 1 हम बोल रहे हैं ए को, ए के लिए प्रायोरिटी नंबर 1 बोल दे रहे हैं, और सी ओ डी में हम प्रायोरिटी नंबर 1 बोल रहे हैं सी को, इस केस में देखोगे जो प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है सेम साइड में है, तो इसको हम बोलते हैं, इस कॉन्फिगरेशन को बोलते हैं जेड बोलते हैं, यानी यहाँ जो जो डबल बॉन्ड सिस्टम बना है उसको जेड टाइप बोलेंगे, ये जेड टाइप है। तो हो गया ई टाइप, ये हो गया जेड टाइप। तो अगर आप इसको सिस्ट्रांस से लिंक करोगे तो सिस्ट्रांस में स्पेशल केस था, ई एन जेड एक जनरलाइज सिस्टम है, ये हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो सिस्ट्रांस था उसमें क्या था ना कि सिस्ट्रांस जब हम पढ़ रहे थे तो सिस्ट्रांस एक स्पेशल केस था ई एन जेड का। सिस्ट्रांस में क्या था कि ए और ए और बी दोनों दोनों साइड सेम ही ग्रुप अटैच था, यानी इस कारण से ए बी हो तो वहाँ भी ए बी होना चाहिए, तो इस केस में बोलते हैं ट्रांस। और अगर ऐसा होता दोनों ग्रुप सेम जैसा सेम साइड होता तो बोलते सिस बोलते हैं। तो सिस ट्रांस कुछ नहीं, ई एन जेड सिस्टम के का एक स्पेशल केस है बस, और ई एन जेड सिस्टम क्या है उसका जनरलाइज फॉर्म है, जनरलाइज फॉर्म है। ठीक है, तो दोनों कार्बन पे अगर सेम सेम ही ग्रुप अगर अटैच होगा तो ट्रांस सिस्टम डिफाइन हो पाता है, और अगर सिमिलर ग्रुप अटैच नहीं होगा तो उसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए डिफाइन करेंगे के हम लोग ई एन जेड सिस्टम डिफाइन करेंगे, ई एन जेड सिस्टम डिफाइन करेंगे। तो ग्रुप दोनों कार्बन पे अगर सेम ही ग्रुप अटैच होता, मतलब यहाँ ए बी है तो वहाँ भी ए बी होगा, तो उस केस में हम सिस्ट्रांस डिफाइन कर सकते हैं। अगर सिमिलर ग्रुप अटैच नहीं होगा दोनों कार्बन पे तो हम लोग ई एन जेड डिसाइड करते हैं, ई एन जेड डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये ध्यान देना। तो चलते हैं हम लोग
ई एन जेड में प्रायोरिटी ऑर्डर को लिखना सीखते हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कैसे होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कैसे होगा। ठीक है, ना जब भी ई एन जेड हम लोग सिस्टम डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो ई एन जेड सिस्टम में बोला गया है, अगर हम बोलेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे करना है, तो उसके उसके लिए एक रूल दिया गया है, सी आई पी रूल। क्या दिया गया है, चलो सी आई पी रूल दिया हुआ है। ठीक है, तो सी आई पी रूल में हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। सी आई पी का फुल फॉर्म है, सी आई पी में तीन नाम है, बेसिकली तीन नाम का शॉर्ट फॉर्म है सी आई पी। ठीक है, तो ये नाम जो साइंटिस्ट का नाम उसके नाम पर रखा हुआ था। ठीक, तो चलो हम लोग इस पर काम पे बात पाते हैं वापस। तो बोला गया जब भी हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे किसी भी ग्रुप का, तो आपका रूल नंबर ये है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका प्रायोरिटी सबसे हाइस्ट करना। ठीक है, तो किस ग्रुप का, तो जो जो एटम लिंक है आपके डबल बॉन्ड से, ठीक है, तो जो एटम लिंक है उसमें जो डायरेक्टली लिंक एटम उसका हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका प्रायोरिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टर्म लिखा होगा स्टीरियोजेनिक कार्बन, इसका मतलब होता है ना वो ऐसा कार्बन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ जो डबल बॉन्ड से जो कार्बन है इसको आप स्टीरियोजेनिक कार्बन बोल सकते हो, अगर यहाँ पे दो अलग ग्रुप होगा और यहाँ पे दो अलग ग्रुप होगा। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक कंडीशन क्या बोला गया था, कि इस दोनों कार्बन पे क्या होगा, दो ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे जो कार्बन उसमें दो ग्रुप अलग होना चाहिए, तो यहाँ भी क्या होगा, अब यहाँ पे डी है तो यहाँ पे ए, कुछ मतलब दो यहाँ दोनों सेम नहीं अटैच होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो इस कार्बन को आप स्टीरियोजेनिक कार्बन बोल सकते हैं, यानी ऐसा ये कार्बन जो है आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आपको समझना है। तो बोला गया है कि प्रायोरिटी नंबर किसको देना है, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो उसको देना प्रायोरिटी पहले। जैसे एफ सील में सील प्रायोरिटी लेगा, सील और बी आर में बी आर को प्रायोरिटी देना है, और बी आर एन आई में आई को प्रायोरिटी देना है। ठीक है, एन एच टू ओ एच में क्या होगा, ओ एच प्रायोरिटी ले लेगा। सी एच थ्री एन एच टू में प्रायोरिटी कौन लेगा, तो सी कार्बन है एन है तो कार्बन लिंक करेगा, एन लिंक करेगा, तो प्रायोरिटी किसको देगा, चलो एन एच टू को प्रायोरिटी दे देना आप लोग। अगर ऐसा लिंक रहे हो सी एच टू एन एच टू, तो यार ग्रुप बड़ा हो रहा है, ग्रुप बड़ा हो रहा है, तो ओवरऑल मास तो बड़ा हो रहा है, लेकिन ना हमको ग्रुप बड़ा होने से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कौन सा चीज़ लिंक है। तो यहाँ लिंक है, पहला आइटम कार्बन है, पहला आइटम क्या है ओ है, तो पहला आइटम ओ है यानी ओ का एटॉमिक नंबर कार्बन से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम उस आइटम पर फोकस करें जो कि डायरेक्टली लिंक होने वाला है आपके डबल बॉन्ड से। ठीक है, यहाँ पे देखो ओवरऑल ग्रुप बड़ा हो गया, लेकिन हमको ग्रुप से मतलब नहीं होना चाहिए, हमको मतलब किससे है, मतलब उस एटम से जो लिंक है। तो लिंक है तो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर ओ है तो मतलब ओ का प्रायोरिटी दोगे, यानी ओ इज प्रायोरिटी नंबर, यानी ओ का प्रायोरिटी सी एच टू एन एच टू से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो पहला रूल समझ में आ गया। कभी कभी क्या होता है, आपका एटोमिक अगर एटोमिक नंबर सेम होगा तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो बोला गया उस केस में कि एटम का एटोमिक नंबर सेम होता है तो उसके समय मास नंबर से डिसाइड करना। जैसे ये डायलेमा कब आएगा आपका, जब आप आइसोटोप से डील करोगे। आइसोटोप्स का क्या होता है, तो आइसोटोप्स का एटोमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो उसके समय डिसाइड करेंगे जिसका मास ज़्यादा होगा उसका प्रायोरिटी को आप ज़्यादा बोलोगे, उसका प्रायोरिटी को आप ज़्यादा बोलोगे। ठीक है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका प्रायोरिटी को आप ज़्यादा बोलने वाले हो। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखना ना, C12 है C13 है, तो इसमें कार्बन जो है 12 अटैच है और यहाँ पे 13 अटैच, जो कार्बन पर 13 अटैच है, तो इसका मास ज़्यादा होगा इसको प्रायोरिटी दे दिया हम। O16 O17 में दोनों अटैचमेंट अगर देखेंगे तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, तो मास हमें ज़्यादा किसका होगा, चलो तो मास हमें ज़्यादा होगा 17 का, तो उसको हम प्रायोरिटी ले लेंगे, उसको हम प्रायोरिटी दे देंगे। ठीक है, सिमिलरली N14 N15 में किसको प्रायोरिटी दोगे आप लोग, तो 15 को प्रायोरिटी दे दोगे क्योंकि इसका मास नंबर क्या है, हाई है। तो जब भी हम आइसोटोप से डील कर रहे होंगे तो प्रायोरिटी जो होगा मास नंबर के एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये हो गया रूल नंबर सेकंड। तो पहला रूल क्या बोले, प्रायोरिटी नंबर लेना आपको अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। सेकंड रूल में क्या बोला गया कि एटॉमिक नंबर अगर सेम होता है तो हम ले लेंगे एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये ध्यान देना, बहुत जगह बुक में एटॉमिक वेट लिखा रहता है तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए। कभी कभी कुछ ऐसा कंपाउंड्स होता है जहाँ पे एटॉमिक नंबर कम होने के बाद भी एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, आर्गन
एटोमिक नंबर कितना है 18 है, बट मास हमें कितना होता है 40 होता है। और पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होता है 19 होता है एटोमिक नंबर, बट मास हमें क्या होता है 39 होता है। तो अगर मास के बेसिस पे तुम सोचोगे तो आर्गन आगे निकल जाएगा, और एटोमिक नंबर के बेसिस पे तुम सोचोगे तो कौन आगे निकलेगा, तो आगे निकल जाएगा पोटेशियम। तो मैं बोल रहा हूँ कि मास के बेसिस मत सोचना, अगर एटोमिक नंबर सेम होगा तब मास पे आना, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन, अगर मान लो कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो वहाँ से हम क्रिएट कर दें कि एटोमिक नंबर और मास नंबर में रिलेशन डिफर कर रहा है, मतलब जनरली क्या देखा गया है कि एटोमिक नंबर बढ़ेगा तो मास नंबर भी बढ़ता है, ठीक है। बट कभी कभी इस रूल का वायलेशन होता है, जैसे मान लो देख आर्गन और पोटेशियम में एटोमिक नंबर बढ़ा है बट मास नंबर क्या हो गया घट गया, तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन अराइज होगा। तो अगर कोई ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके आपके सामने दे दिया जाए तो आपको रूल ओबे करना है, पहला रूल पहले देंगे, यानी जिसका एटोमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी देना, ठीक है। उसके बाद आप मास नंबर पे आओगे, ये ध्यान देना आप, ठीक। तो अगर ऐसा कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो तो आपको इस तरह से डील करना है, ठीक है। तेरा रूल नंबर टू, अब ध्यान देना रूल नंबर थर्ड क्या बोला गया है कि कभी कभी क्या होता है कि जो आपका लिंक एटम है, मान लेते हैं कि आपके डबल बॉन्ड से जो लिंक एटम होगा ना, मान लेते हैं यहाँ जो लिंक एटम है और यहाँ जो लिंक एटम है, ठीक है। तो मान लेते हैं इस पोजीशन का बात करते हैं, इस पोजीशन में जो लिंक एटम है और यहाँ जो पोजीशन लिंक एटम है, ठीक है। तो उसमें उसमें देखो हमें हमेशा क्या बोले, हम लोग प्रायोरिटी जो देते हैं तो हमेशा हम एक कर्म पे जो दो ग्रुप अटैच है ना, यहाँ ए और बी है मान लेते हैं, तो इस ए और बी में प्रायोरिटी देखेंगे, ठीक है। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, लेफ्ट पर जो लेफ्ट में कार्बन है उस पर क्या ग्रुप अटैच है उसमें को नहीं सोचना है, यानी जब हम राइट के बार कार्बन पे फोकस है तो राइट के दोनों ग्रुप को हम डिसाइड करेंगे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, 1-2 बोलेंगे, ठीक है। और जब हम लेफ्ट वाले कार्बन पे होंगे तो हमको बस लेफ्ट के कार्बन के ग्रुप दोनों ग्रुप पे हमको फोकस करना है। मान लेते हैं यहाँ पे डी है और ई है, तो इसको हम इंडिपेंडेंटली फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब जो डी और ई पे फोकस करेंगे तो मेरे को ए और बी से कोई मतलब नहीं है, ठीक। यानी सेम कार्बन के दो ग्रुप को हमको कंपेयर करना है, ये ध्यान देना। तो यहाँ बोला जा रहा है कि अगर जो सेम कार्बन पे दो ग्रुप अटैच होगा उसका पहला एटम है अगर सेम होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो बोला गया है कि एक बोथ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इज सेम, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दोनों सेम होगा देन प्रायोरिटी विल डिसाइडेड बाय द नेक्स्ट ज्वाइनिंग एटम, यानी आपको फिर अगले एटम पर सबको फोकस करना है। जैसे मान ले कि पहले पे कार्बन है, फिर क्या है एच है, एच है और ओ है, और यहाँ पे कार्बन है एच एच है और एन है, तो पहला पोजिशन से तो डिसाइड नहीं कर पाओगे आप प्रायोरिटी। तो अब जम करोगे सेकेंड पोजिशन में, तो सेकेंड पोजिशन पे क्या है ओ है, हाँ सेकेंड पोजिशन एन है, तो ओ और एन में कौन प्रायोरिटी लेगा, तो आप ओ प्रायोरिटी लेगा, तो इसलिए ये ग्रुप आगे निकल जाएगा। यानी अगर फर्स्ट पोजिशन पे आप प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाओ तो आप मूव करोगे सेकेंड पोजिशन पे, तो आप मूव करोगे सेकेंड पोजिशन पे, ठीक है। अगर फर्स्ट फर्स्ट पोजिशन डिसाइड नहीं होगा तो आप मूव करोगे सेकेंड पोजिशन पे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक। अब ध्यान देना जैसे मान लो सेकेंड नीचे ग्रुप लिखा हुआ है, इस ग्रुप को देखो यहाँ पे पहले पोजीशन पे सी है, सेकंड पोजीशन में क्या है, तो पहले जो पहला कार्बन है उसमें क्या क्या लिंक है, तो देखो तो पहले कार्बन से लिंक है एक एच है, ठीक है, जो इसको मैं आप अच्छे से आपको दिखा रहा हूँ, समझे इसी ध्यान से, एक बार कन्फ्यूजन क्लियर कर देगा पूरा। जैसे मान लो ऐसा ऐसा पोजिशन है, पहले कार्बन पे सी था, फिर यहाँ से एच लिंक था, फिर यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, ठीक है, और फिर यहाँ एच 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 है और यहाँ एच 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 है, ठीक है। बोला गया ये आपका पहला कार्बन, यानी ये जो पॉइंट है ये पॉइंट लिंक है आपके डबल बॉन्ड से, ये जो कार्बन है, और यहीं पे बोला गया यहाँ पे जो पहला कार्बन है उसमें एच एच जोड़ा गया है और यहाँ पे ओ एच है, ठीक है। अब बोला इन दोनों प्रायोरिटी कैसे दोगे, तो ध्यान ना अब देखो ऐसे इसको देखो इससे आपको सोचना है, जो फर्स्ट पोजिशन है, जो फर्स्ट पोजिशन है आपके पास और यहाँ फर्स्ट पोजिशन है, तो दोनों कार्बन ही है, तो यहाँ डिसाइड नहीं हो पाएगा कि दोनों का एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों क्या है सेम है, तो यहाँ सब डिसाइड नहीं कर पाओगे। और देना फर्स्ट पोजिशन पर जो कार्बन उसमें क्या क्या उससे क्या क्या आइटम लिंक है वो ब्रैकेट में सोचो आप, तो ब्रैकेट में ध्यान देना, तो ब्रैकेट में ध्यान देना ब्रैकेट अगर फोकस करोगे तो फर्स्ट कार्बन से क्या क्या ग्रुप लिंक है, तो फर्स्ट कार्बन से लिंक है ऊपर वाला एच लिंक है, एक एच आइटम होगा, और राइट में क्या हो राइट में कार्बन लिंक होगा और नीचे में भी कार्बन लिंक होगा, यानी जो फर्स्ट कार्बन है उससे क्या क्या लिंक है, तो उसे एच लिंक है, कार्बन लिंक है, कार्बन लिंक है। अब बताओ इन तीनों आइटम में मैक्सिमम इसका मैक्सिमम वैल्यू किसका लिंक होगा, तो इसमें सब मैक्सिमम जो आइटम मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकता है एटॉमिक नंबर का उस आइटम को बाहर निकालो,
तो यहां से एच है, सी है, सी है, तो मैक्सिमम किसका होगा? कार्बन का हो, तो कार्बन को बाहर निकाल लो, यानी यानी इसका मैक्सिमम पॉसिबल हो क्या? कार्बन होगा, ठीक है। राइट वाला चेक करते हैं, तो राइट वाले में जो पहला कार्बन है उसे क्या क्या ग्रुप अटैच है जी? तो ऊपर का एच लिंक होगा, यहाँ पे एच लिंक होगा, और यहाँ पे क्या होगा? ओ लिंक होगा, ठीक है। एच एच और क्या है? ओ लिंक होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? एच एच एन ओ का लिंकेज है। अब यहाँ पे एच एच और ओ में मैक्सिमम क्या होगा? तो मैक्सिमम मैक्सिमम एटम किसको बोलेंगे, यानी जिसका एटोमिक नंबर वहाँ से ज़्यादा किसका होगा? तो उसको मैक्स बोल रहा था। यहाँ पे एच एच और ओ में जब मैक्सिमम किसका होगा जी? मैक्सिमम होगा ओ का, ठीक है। यहाँ से ओ निकलेगा। अब देखो इस सी और ओ में किसको आगे निकालोगे आप? तो आपको पता है इसमें ओ निकलेगा, तो इसमें ओ प्रायोरिटी लेगा, तो इस ओवरऑल ग्रुप में भी क्या होगा? आपका एक ग्रुप प्रायोरिटी ले लेगा, आपका एक ग्रुप, यानी जो ग्रुप नंबर राइट में लिखे ना, जिस ग्रुप को हम राइट में लिखे हुए हैं, ये आपका प्रायोरिटी लेगा, ये आपका प्रायोरिटी लेगा। तो प्रोसेस आपको ऐसे फॉलो करना है, प्रोसेस आपको ऐसे फॉलो करना है, ठीक है। अब ध्यान ना, अगर इसमें ऐसा सिचुएशन आ जाए, ठीक है, उसमें अगर इसमें कोई ऐसा बोले कि अगर ब्रैकेट के अंदर ऐसा सिचुएशन आ जाए, यहाँ पे H है, C है, C है, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाए H है, C है, दो H आ जाए, एक C आ जाए, तब क्या डिसाइड करेंगे? तो ध्यान ना, तब इसमें देखा ना, इसका बोलोगे इसमें सर इसमें मैक्सिमम तो क्या आएगा? इसमें मैक्सिमम C आएगा, और इसमें मैक्सिमम सी ही आने वाला है, तब कैसे जज करेंगे? तो ध्यान देना, चूंकि आपके लेफ्ट लेफ्ट वाले सिस्टम में दो सी दो कार्बन है, तो दो कार्बन है तो कहीं नहीं कि प्रायोरिटी ये ले लेगा, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ एटम पे जाना, अगर मैक्सिमम सेम एटम आपके पास आ रहा है, देखना कि नंबर ऑफ ज़्यादा एटम कहाँ पे है, ज़्यादा हाई मास वाला एटम कहाँ पे, उसको ध्यान देना, उसको ध्यान देना, ठीक है। ऐसे ही सिचुएशन में अगर आपके पास अगर ऐसा चीज़ आ जाएगा कि H है, D है और C है, और यहाँ पे H है, T है और C है, D क्या है? ड्यूटेरियम, और T है ट्रिटियम। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू कार्बन आएगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? कार्बन आएगा। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन तो कॉमन है, तो कार्बन डिसाइड तो करेगा नहीं, क्योंकि दोनों का नंबर भी सेम है, एक ही नंबर है, तो डिसीजन लेगा ये वाला D और T, इसे डिसाइड कर लेना, क्योंकि T का मास ज़्यादा होता है ड्यूटेरियम से, इसलिए प्रायोरिटी ले लेगा ट्रिटियम वाला, जो पोजिशन है वो प्रायोरिटी ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं, अगर चीज़ें कॉम्प्लिकेट होगा तो, ठीक। अब चलते हैं हम लोग फर्दर, ठीक है। तो हम लोग रूल नंबर 3 समझ में आया कि पहले पोजीशन से अगर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो हम सेकंड पोजीशन पे मूव करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जजमेंट होगा। जैसे मान ले इस ग्रुप में CH2 है, तो CH2 यहाँ कार्बन है, तो यहाँ भी कार्बन है। अभी ध्यान ना, इस कार्बन से क्या क्या लिंक है? तो इस कार्बन से दो हाइड्रोजन लिंक है और एक कार्बन लिंक है, और इस कार्बन से दो कार्बन लिंक है और एक हाइड्रोजन लिंक है, तो कहीं नहीं कार्बन का नंबर ज़्यादा हो गया, तो प्रायोरिटी ये हो जाएगा। यहाँ देखोगे इस क्वेश्चन में एन है, तो यहाँ भी एन है। इस एन से क्या लिंक है? तो इस एन से एक एच लिंक है, सी थ्री लिंक है, और यहाँ पर दो कार्बन लिंक है, तो कहीं ना कहीं एक कार्बन दोनों में मिल जाएगा। और दूसरे पोजीशन में यहाँ पे एच है, यानी अब सेकंड पोजीशन अगर इसको चेक करते हैं तो ध्यान देना, यहाँ पे एन से लिंक क्या है? एन से ऊपर एच लिंक है और यहाँ कार्बन लिंक है, और यहाँ पे क्या है? दोनों साइड कार्बन है, तो ये कहीं ना कहीं ए वाला प्रायोरिटी ले लेगा, ठीक। अगला पॉइंट ध्यान देना, रूल नंबर 4। तो क्या बोला हुआ है? कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो मॉलिक्यूल, ये ध्यान देना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल को स्यूडो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि प्रायोरिटी डिसाइड करना आसान हो जाए, ठीक है। तो ये कब करते हैं ध्यान देना, ताकि मतलब ईजी हो जाए मेरे प्रोसेस। तो अगर मान लें कभी कभी आपके पास सिस्टम में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, तो इफ मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप अटैच टू द डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्डेड एटम, यानी इस जिस डबल बॉन्ड का हम बात कर रहे हैं उससे भी जो अटैच एटम है उसमें भी अगर डबल बॉन्ड होगा, वो हो सकता है, या फिर डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, ठीक है, या मान लो डबल बॉन्ड
सीएन हो सकता है या हमारे डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो जो अपना जिस डबल बॉन्ड का हम को का नाम लिखने वाले हैं, जिसका हम नाम पता करने वाले हैं, ठीक है, एंड जिस डबल बॉन्ड को हम ई एन जे या जेड बताने वाले हैं, उससे अटैच ग्रुप में भी अगर डबल बॉन्ड्स होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उस केस में जो ग्रुप से अटैच पोजिशन जो ग्रुप्स है उसका हम सीडो मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं। उसको जब कंपेयर करना होगा तो उसको सीडो मॉलिक्यूल में ड्रॉ करके हम कंपेयर करेंगे, ताकि कंपेयर करने में ले क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। अब ध्यान देना इसमें लोग करते क्या, वो भी ध्यान देना। तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास इस तरह का ग्रुप अटैच रहेगा, तो ध्यान देना यहाँ कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो इसको इसका सीडो मॉलिक्यूल कैसा होगा ध्यान देना। तो जब भी आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना, तो इसको आप ऐसे लिखना, जैसे ये हम बात करें लेफ्ट कार्बन का, तो लेफ्ट कार्बन पे जो पाई बॉन्ड उसको तोड़ दे, तो पाई बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ कार्बन हो गया और कार्बन हो गया। अब बता जो लेफ्ट कार्बन का बॉन्ड किससे बना हुआ था, पाई बॉन्ड बना था कार्बन के साथ, तो उसको दिखाने के लिए नीचे में एक एक्स्ट्रा कार्बन लगा दे, मतलब पाई बॉन्ड टूटा तो पाई बॉन्ड किससे बना था, कार्बन के साथ, तो उस कार्बन के लिए नीचे कार्बन दिखा दिया, ठीक है। अब राइट वाले पे फोकस कर, आप राइट वाले फोकस कर, ठीक है। तो राइट वाले कार्बन पे जो था वो पाई बॉन्ड बना था लेफ्ट वाले कार्बन के साथ, तो लेफ्ट में कार्बन है तो वहाँ पे पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो राइट वाले कार्बन के साथ भी आप क्या अटैच कर दोगे, आप कार्बन को अटैच कर दो, आप कार्बन को अटैच कर दोगे, ठीक है। लेफ्ट वाले कार्बन में क्या करोगे, आप नीचे आप एक कार्बन को जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये बन गया इसका सूडो। बाकी जगह हाइड्रोजन अटैच कर देना, बाकी जगह बॉन्ड जहाँ मैं नहीं दिखा रहा हूँ वहाँ पे हाइड्रोजन बेसिकली है, जैसे यहाँ पे नीचे में जो कार्बन है वहाँ पे तीन हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, दो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। तो बाकी जहाँ पे वैलेंसी खाली है कार्बन का, उसको आप हाइड्रोजन से फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लें यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका सीडो मॉलिक्यूल कैसा होगा, तो आपको क्या करना है, कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसका मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। चलो अगर मान लेते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को आपको दिख रहा है, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को अगर हमको रिप्लेस करना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कर लो, बाकी लेफ्ट का जो कार्बन था वो कितने कार्बन, उसका दो पाई बॉन्ड है और दोनों पाई बॉन्ड किससे है, कार्बन से है, तो उसको हटाने के लिए दो कार्बन लगा देना। और राइट का जो कार्बन था उसका पाई बॉन्ड किससे लिंक था, कार्बन से, तो वहाँ भी दोनों पाई के लिए दो कार्बन दिखा देना। बाकी जहाँ भी कार्बन का वैलेंसी खाली है वहाँ पे आप हाइड्रोजन को दिखा सकते हो, ठीक है, वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा, मतलब जैसे ऊपर वाले कार्बन में कितना हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन होगा, ठीक है, तो आप हाइड्रोजन दिखा सकते हो, वो हाइड्रोजन का पोजीशन है, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हम सोच सकते हैं, तो इसको अगर हम एच को दिखाते हैं यहाँ क्या होगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे एक एच होगा, यहाँ पे जी CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, तो इस ग्रुप का सीडो मॉलिक्यूल ऐसा है, ठीक है, तो इसका सीडो मॉलिक्यूल है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन का सीडो फेयर कैसा होगा जी, यहाँ सी ट्रिपल एन है, तो इसको देखेंगे ध्यान देना, आप कार्बन और नाइट्रोजन को सिंगल बॉन्ड बना देना। अब कार्बन का दो पाई बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड किससे लिंक था, तो एन से लिंक था, कार्बन का दोनों पाई बॉन्ड किससे लिंक है, एन से लिंक है, ठीक है, तो एन से लिंक है, तो क्या होगा, तो एन को नीचे और ऊपर दिखा दो, नीचे और ऊपर दिखा दो, यानी कार्बन का पाई बॉन्ड जिससे लिंक था वो एटम दिखा देंगे, और एन अगर हम नाइट्रोजन फोकस करें तो नाइट्रोजन का पाई किससे के साथ था, तो सी के साथ था, तो नाइट्रोजन से आप क्या दिखाओगे, तो नाइट्रोजन के साथ आप दिखाओगे कार्बन दिखाओगे, ठीक है, तो आप कार्बन दिखाना। बाकी जहाँ भी पोजिशन जो वैकेंट आपको दिख रहा है वहाँ पर आप एच लगा देना, वहाँ पर एच लगा देना, जैसे ऊपर में नाइट्रोजन में दो एच लगेगा, नीचे वाला नाइट्रोजन में दो एच लगेगा, तो एच को हम सिंप्लिसिटी के लिए एच को दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसा सोच सकते हो। तो इस तरह से आप लोग को पाई बॉन्ड को ब्रेक करके उसका सीडो मॉलिक्यूल को ड्रा करना आना चाहिए। तो जो भी हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, सीडो मॉलिक्यूल, यानी किसी ग्रुप को का सीडो फिगर कैसा होगा वो आपको बनाने का तरीका हम समझा रहे थे, ठीक। अब ध्यान देना इसी सीक्वेंस में अगर आपको इस तरह का कोई कंपाउंड दिया रहेगा,
ठीक है। तो अब क्या करना, आप यहां से बॉन्ड तोड़ना, यहां से ए पोजिशन आपका लिंकेज यहां से, तो इस बॉन्ड को तोड़ोगे ठीक है, जो मैं जब बॉन्ड मार्क कर रहा हूँ ये बॉन्ड तोड़ देना, तोड़ोगे ध्यान देना, तो यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पे ओ रहेगा और यहाँ यहाँ पे कार्बन है ठीक है। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये जो पोजीशन था ये ओ लिंक था कार्बन से, तो ओ में कार्बन लिंक कर देंगे, और यहाँ का जो कार्बन था लिंक था ओ से, तो यहाँ पे ओ लिंक कर देंगे। ये जो बॉन्ड बना हुआ है ना, जो बॉन्ड बना हुआ है जिसका मैं बात कर रहा हूँ, इस बॉन्ड में देखोगे तो ऊपर ओ था यहाँ पे, और नीचे में क्या था, नीचे में कार्बन था। तो बॉन्ड जब तोड़ेंगे इसको तो ओ लिंक है सी से, तो ओ इसको सी दिखा दिए, और नीचे का जो सी लिंक था ओ से तो उसके साथ ओ दिखा दिए ठीक है। सिमिलरली यहाँ जो ग्रुप दिख रहा है आपको, इसको यहाँ से तोड़ेंगे, इसको यहाँ से तोड़ेंगे, तो क्या होगा, यहाँ ओ ठीक है, तो यहाँ ओ से सी लिंक हो जाएगा, और यहाँ पे यहाँ का कार्बन में ओ लिंक होगा ठीक है। तीसरे से आपको ब्रेक करना है, इससे आपको ब्रेक करना है, तो यही चीज आपके नोट्स में ड्रॉ किया हुआ है सेम चीज, कि इसको कैसे हम चेंज करेंगे तो आपको बताया हुआ है, यहाँ भी आपको बताया हुआ है ठीक है। ध्यान देना इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो अगला फोकस हमारा रहेगा इसको अप्लाई कैसे करते हैं हम लोग ठीक है। ठीक, लास्ट रूल देख लेते हैं हम लोग, रूल नंबर आई थिंक 5 है ठीक है। तो रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है, तो अगर इफ अ ग्रुप, तो अगर कभी कभी कन्फ्लिक्ट होता है, आप जैसे मान ले इस फिगर और इस फिगर में कंपेयर करेंगे, तो इसका जो इसको जब भी हम बोलते हैं, जब भी पाई बॉन्ड रहता है तो हम उसको उसका सीडो फेयर ड्रॉ करते हैं, इसका सीडो फेयर कैसा होगा, इसका सीडो फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं अपने पास, तो सीडो फिगर देखोगे तो सी एच नीचे कार्बन होगा सी एच थ्री, और यहाँ पे जो कार्बन उसके पास एक सी एच थ्री कार्बन नीचे होगा, और यहाँ पे H2 होगा बस में। तो यहाँ आप गौर करना, इसका जो सीडो फिगर है और यहाँ जो फिगर है दोनों सेम ही दिख रहा है आपको, यानी आप दोनों में कंपेयर कैसे करेंगे, तो बहुत तो क्वेश्चन बोला गया है कि जब भी रियल फिगर और सीडो फिगर आपस को आपस में आप कंपेयर कर रहे हो, जब भी रियल फिगर और सीडो फिगर आपस में कंपेयर करोगे, उस केस में रियल फिगर को प्रायरिटी दे देना, मतलब इसका सीडो फिगर बना के सोचोगे तो दोनों सेम आ जाएगा, बट हम बोल रहे हैं कि जब भी रियल फिगर और सीडो फिगर में अगर प्रायरिटी आपको डिसाइड करना है तो रियल फिगर को प्रायरिटी दे दोगे, यानी एक फिगर प्रायरिटी ले लेगा। सिमिलरली नीचे का जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका अगर सीडो फिगर ड्रॉ करोगे, सीडो फिगर तो इसकी तरह होगा, इसकी तरह होगा, तो उस केस में आपका रियल फिगर प्रायरिटी ले लेगा, रियल फिगर प्रायरिटी ले लेगा ठीक है। यह रहेगा आपको रूल नंबर 5, यह रहेगा ऑल अबाउट सी आई पी रूल, ऑल अबाउट सी आई पी रूल ठीक। अब ध्यान दोगे तो हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा ठीक है, तो आपको इस इन सारे का ई एन जेड आपको बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल ई है, कौन सा मॉलिक्यूल जेड है ठीक है। आपको आई थिंक क्वेश्चन नंबर जितना क्लियर दिख रहा होगा उनको ड्रॉ उनको ध्यान देना, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको क्लियर दिख रहा होगा, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 तक ही बताओगे मेरे को पहले ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक का आंसर बताओगे, 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन नंबर ट्राई करेंगे, 1 to 8 ठीक है। और इसका ई एन जेड जो भी आ रहा है आप मुझे मैसेज के थ्रू बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है ठीक है। जल्दी फास्ट।
तो भाई चलो आपका क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जो देते हैं आंसर वेरीफाई करता हूँ लोग। तो पहले पहला वाला क्वेश्चन बहुत बहुत आसान था। ए फॉर सी एल एम प्रायरिटी कौन लेगा जी? तो सी एल लेगा। और बी आर ए में प्रायरिटी किसको दोगे? आई को दोगे। तो दोनों प्रायरिटी देखो, तो जो प्रायरिटी नंबर हाईएस्ट है दोनों के अपोजिट में है, तो उसको हम ई बोल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू में एफ और एन एच टू प्रायरिटी किसको दोगे? तो एफ को दोगे। और ओ सी एस थ्री एंड सी एस थ्री में, इसमें ओ है इसमें सी एस थ्री है, तो प्रायरिटी नंबर कौन लेगा? ओ सी एस थ्री लेगा। तो दोनों प्रायरिटी सेम साइड है, तो क्या होगा? ए जेड हो जाएगा, हो जाएगा जेड। थर्ड क्वेश्चन में देखोगे एफ सी एल में प्रायरिटी लेगा सी एल, और यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर मतलब इसका एटॉमिक नंबर जीरो मान लेना। लोन पेयर मतलब लिस्ट एटॉमिक नंबर, मतलब लोन पेयर सबसे लिस्ट प्रायरिटी ग्रुप होता है, ये सोच के चलना। और यहाँ पे ओ एच है, तो लोन पेयर एंड ओ एच में प्रायरिटी कौन लेगा? तो ओ लेगा, यानी ओ एच का ओ लेगा। तो इसको यही सी एल और ओ एच दोनों दोनों अपने हाइस्ट प्रायरिटी का चीज़ है, तो दोनों क्या अपोजिट में, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ई बोलेंगे। जो फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर ध्यान ना, यहाँ पे राइट में एन एस टू है और लोन पेयर है, तो प्रायरिटी किसको दोगे? तो एन एस टू को दोगे। तो प्रायरिटी यहाँ पे नंबर वन कौन होगा? एन एस टू होगा। और लेफ्ट में एक होगा, तो लेफ्ट में ध्यान ना, यहाँ पे लेफ्ट में ऊपर स्ट्रेट चेन है, ऊपर स्ट्रेट चेन यहाँ पे ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग में कार्बन जो पहला कार्बन वो दो कार्बन से लिंक हो जाएगा, और ऊपर में कार्बन से एक ही कार्बन लिंक होगा, तो अल्टीमेटली नीचे का जो ब्रांच हो प्रायरिटी लेगा, नीचे का जो ब्रांच हो प्रायरिटी ले लेगा। तो दोनों प्रायरिटी नंबर हाईएस्ट अपोजिट साइड में है, इसको हम ई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ई बोलेंगे। क्वेश्चन फाइव ध्यान देना, फाइव में ध्यान दोगे तो यहाँ पे सी एन है और यहाँ पे ओ सी एस थ्री है, तो पहला आइटम सी है और पहला आइटम ओ है। पहला आइटम क्या है? ओ है। तो फर्स्ट आइटम के अकॉर्डिंग कौन आगे निकलेगा? ओ सी सी आगे निकलेगा, तो इसमें हम ओ को लेंगे फर्स्ट। हम देखते हैं क्या पहला आइटम क्या लिंक होता है। पहला आइटम सेम होता अभी तो हम आगे जाते हैं, तो फर्स्ट आइटम चूंकि ओ है तो ओ का आप निकाल लेना आगे, ओ का आप निकाल लेना। बहुत लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सी एन का सीरो फिगर ऐसा होगा, सी है एन एन हो जाएगा, ठीक है, फिर एन के पास सी सी हो जाएगा, तो ये ऐसा कुछ हो सकता है, तो आगे निकलने का चांस लग रहा है। लेकिन ध्यान देना रूल के अकॉर्डिंग चलो, शांति से आप लोग रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करो। यहाँ पर देखो सी एन है, बट यहाँ पर पहला कार्बन सी है, तो यहाँ पहला कार्बन ओ है, तो फर्स्ट कार्बन में डिफरेंस है, तो फर्स्ट कार्बन में जिसका एटोमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको प्रायरिटी ले लो। तो इसमें ओ सी एस थ्री को प्रायरिटी लोगे, यानी हो गया वन। लेफ्ट वाले में सी इसको प्रायरिटी लोगे, तो ये हो गया वन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ई। क्वेश्चन नंबर सिक्स ना, राइट वाले में एफ और एन एस टू, तो एफ इसमें एफ प्रायरिटी लेगा, और लेफ्ट में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है और क्या है, और नीचे है सी डबल बॉन्ड ओ। तो यार देखो पहला पोजिशन तो दोनों में कार्बन है, बट सेकंड पोजिशन में इसमें सेकंड नीचे वाले में ओ का लिंक है और ऊपर वाले में सी का लिंक है, तो ऑब्वियसली ओ का लिंक आप आगे जाएगा, ओ का लिंक आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वन वन प्रायरिटी उल्टा है, तो क्या होगा? ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन में था ना, सेवन में देखोगे सी एस टू एन एस टू और नीचे सी एन है, तो नीचे देखोगे तो इसका आप सीडो फिगर बना लेना, तो सीडो फिगर में सी है एन एन होगा, यानी जो पहला कार्बन है तो दोनों पहला आइटम कार्बन है दोनों में, लेकिन जो नेक्स्ट आइटम है उसमें ऊपर वाले में दो हाइड्रोजन है एक नाइट्रोजन है, बट नीचे वाले में दो नाइट्रोजन तीन नाइट्रोजन दिख जाएगा, आपको तीन नाइट्रोजन दिख जाएगा, तो ऑब्वियसली नीचे का जो सी एन हो प्रायरिटी ले लेगा, जो प्रायरिटी ले लेगा। सिमिलरली लेफ्ट में क्या सी एस टू ओ एच है, यानी पहला कार्बन है और यहाँ पे देखो एल्डिहाइड, तो यहाँ भी क्या है, तो पहला कार्बन पहला आइटम दोनों में कार्बन है, सेकेंड आइटम दोनों में ऑक्सीजन है, तो इसको ऐसे इसका सीरो फिगर ड्रॉ कर ले। तो सीरो फिगर ड्रॉ करेगा तो क्या होगा? ये जो कार्बन है उसे ओ लिंक है, ओ से फिर क्या लिंक होगा? सी लिंक होगा, और इस सी से क्या लिंक होगा? ओ लिंक होगा। इसको आपको समझाने के लिए देखो इसको मैं अलग से दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझाना आसान हो मेरे लिए। तो मान लेते हैं बस कंपेयर करना सी एस टू ओ एच को, और कंपेयर करना आपको एल्डिहाइड को, तो हम क्या बोल रहे एल्डिहाइड का आप सीरो फिगर ड्रॉ कर लो ना, तो डेढ़ का सीडो फिगर ऐसा होगा, सी से लिंक होगा ओ और ओ से लिंक होगा सी। तो इसमें पहला कार जो पहला आइटम कार्बन है, यहाँ पहला कार्बन है, अब पहला आइटम से लिंक है ग्रुप उसको हम लिख दे रहे हैं, तो पहला आइटम से ग्रुप क्या लिंक है? एच है, एच है, ओ है, और पहला आइटम इससे लिंक क्या क्या ग्रुप के पास है? तो ओ है, ओ है, एच है, दो ऑक्सीजन है, तो ये डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका एल्डिहाइड प्रायरिटी ले लेगा, इसलिए आपका एल्डिहाइड प्रायरिटी ले लेगा। ठीक है, तो इसलिए आपके सिस्टम में सी एन होगा
और एल्डिहाइड होगा तो इसमें आपका दोनों हाई प्रायोरिटी नीचे है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा जेड, ए हो जाएगा जेड। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे दो रिंग है तो मान लेते हैं एक ट्राइंगल और क्या है क्वाड्रिलेटरल है, यानी 3 मेंबर रिंग है 4 मेंबर रिंग है, तो इन दोनों को कंपेयर करना मेरे को पहले, तो ध्यान देना। तो दो तरीके से सोच सकता हूँ, दो तरीके से सोच सकता हूँ। मान ले मेरे को कंपेयर करना है इसमें 3 मेंबर रिंग में कंपेयर को कंपेयर करना है 4 मेंबर रिंग से, ठीक है। तो तीनों को कंपेयर करना है 4 मेंबर में, तो ध्यान देना। अब देखो ये आपका पोजिशन नंबर 1 है, ये पोजिशन नंबर 1 है, तो आप ऐसे सोचना आप राइट में जाओगे तो राइट में देखो यहाँ पोजिशन नंबर 2 है, तो पहले कार्बन के बाद सेकंड में ऑक्सीजन है, यहाँ देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 भी ऑक्सीजन है। आप नीचे से आओ, नीचे की साइड से आओ, तो यहाँ पर 1 है तो 1 में 2, ये 2' मान लेते हैं, तो 2' में कार्बन है, तो अगर 2' भी क्या है कार्बन है और 3' भी कार्बन है, बट यहाँ पर 2' से 3' मूव करोगे तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन मिल जाएगा, और यहाँ पर 4' में ऑक्सीजन मिलेगा। तो ऑब्वियसली ऊपर के साइड से नंबरिंग करने में तो दोनों में सेम मिल रहा है, पर नीचे से नंबरिंग करोगे तो इसमें ऑक्सीजन पहले मिल रहा है आपको, यानी ये प्रायोरिटी ले लेगा, ये प्रायोरिटी ले लेगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि इसका आप स्यूडो फिगर बना लें, इसका आप स्यूडो फिगर बना लें, तो इसका यहाँ ओ होगा, यहाँ पे क्या है कार्बन था, और यहाँ पे एक ओ कर दोगे, यहाँ पे एक कार्बन कर दोगे। अब क्या करना, अब नीचे की तरफ मूव करना, क्योंकि ऊपर की तरफ सिमिलर चीज आएगा, तो अब नीचे की तरफ मूव करना है, ऊपर भी ओ होगा यहाँ कार्बन होगा, और नीचे में क्या है, नीचे में वो कार्बन है, कार्बन है फिर ओ है, ठीक है। तो नीचे साइड में देखना, तो पोजिशन नंबर 1, पोजिशन नंबर 2, पोजिशन नंबर 3, तो पोजिशन थर्ड पे क्या ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखो पोजिशन नंबर 1, 2, 3, थर्ड पे कार्बन है, थर्ड पे ऑक्सीजन है, तो कहीं ना कहीं ये प्रायोरिटी ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सोच सकते हो, इस तरह से आप सोच सकते हो, तो इसमें ध्यान देना, तो जितना छोटा रिंग होगा उतना प्रायोरिटी ले लेगा, तो प्रायोरिटी नंबर 1 इसमें ये होगा, और इन दोनों प्रायोरिटी नंबर ये प्रायोरिटी ले लेगा, तो इसको क्या बोलेंगे आप, ई टाइप बोलोगे, इसको आप ई टाइप बोलोगे, ठीक है। तेरा क्वेश्चन 8 में, बाकी क्वेश्चन देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। क्वेश्चन नंबर 9 का मैं बात कर रहा हूँ, 9 में क्या है, 9 में अगर लेफ्ट में देखोगे तो लेफ्ट फिगर में डबल बॉन्ड है, तो इसका सीडो फिगर ड्रॉ कर लो, तो सीडो फिगर ड्रॉ कैसे करेंगे जी, तो इसका पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, पाई बॉन्ड तोड़ के एक कार्बन यहाँ दिखा देंगे, ठीक। तो यहाँ दिख रहा होगा कि पहला और नीचे वाला देखो, तो नीचे वाले देखो यहाँ पहले इस कार्बन से 2 कार्बन लिंक है, तो यहाँ भी क्या है फर्स्ट वाले कार्बन से 2 कार्बन लिंक है, फर्स्ट कार्बन से 2 कार्बन लिंक है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा यहाँ पे एक ही होगा, यहाँ पे 2 दिखाया गलत है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो पहला कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर 1 ही होगा, कर दे उसको मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ जो कार्बन आपको दिख रहा है ना, ये कार्बन से 2 कार्बन लिंक है, ऊपर वाला यहाँ एक, यहाँ वाला, और यहाँ भी पहले कार्बन से 2 कार्बन लिंक था, तो पहले पोजीशन से डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड पोजीशन जाओगे तो सेकेंड पोजीशन में क्या है आपके पास है एक और कार्बन लिंक है, और यानी सेकेंड पोजीशन पे क्या है एक और कार्बन लिंक है, तो यहाँ देखोगे इस कार्बन को इसके इक्विवेलेंट मान के फटा सकते हो, तो अगला जो पोजीशन देखोगे इसको, इस कार्बन को हम इसे कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ इस कार्बन पे ऊपर वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, पर नीचे नीचे में 3 हाइड्रोजन है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला चीज प्रायोरिटी ले लेगा, तो ऊपर वाला प्रायोरिटी ले लिया। अब आते हैं यहाँ पे, इस दोनों फिगर में भी क्या है, राइट वाले में भी क्या है, यहाँ ये जो नीचे का जो पाई बॉन्ड है उसका सीडो फिगर हम ड्रॉ करते हैं, तो पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, इस पाई को तोड़ ले और इसका जो सीडो फिगर है उसको ड्रॉ कर ले, तो सीडो फिगर क्या होगा, तो यहाँ भी कार्बन यहाँ भी ब्रांचिंग, तो कहीं दिख रहा है कि यहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा है, तो आपका नीचे का जो फिगर होगा प्रायोरिटी ले लेगा, ठीक है। तो इसको भी हम बोल सकते हैं क्या टाइप होगा, ए ई टाइप होगा, क्या होगा, ए ई टाइप होगा। सिमिलर ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 10 का हम बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान दोगे, राइट वाले में मैं प्रायोरिटी किसको लेना है, तो राइट वाले में देखना ध्यान से, इस पॉइंट पे गौर करना,
इसका सीडोफ ये नीचे वाला इसको इसका सीडोफ को हम ड्रॉ करते हैं, इसका सीडोफ को हम ड्रॉ करेंगे ठीक है। तो ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइवन को ब्रेक करना पड़ेगा, पाइवन को हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो पाइवन को ब्रेक कर लेते हैं हम लोग ठीक है। तो पाइवन को ब्रेक कर ले, तो ब्रेक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक पाई यहाँ पे क्लेन देना पड़ेगा मेरे को तो ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आंसर आपका गलत दिखा हुआ है, इसमें प्रायोरिटी ऊपर वाला नहीं लगा, इसमें प्रायोरिटी नीचे वाला आएगा, इसमें नीचे वाला प्रायोरिटी दो गया ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बेंजीनिंग दिया हुआ है, तो बेंजीनिंग का सारा पाइप को तोड़ो, तो सारा पाइप टूटेगा तो हर हर जो पोजिशन है उसमें क्या है, कार्बन आएगा, एक कार्बन आएगा ठीक है। तो बेंजीनिंग का भी सारा पाइप को जब तुम तोड़ देगा तो तीन पाइप बोन था तो उसमें क्या होगा, छः कार्बन अटैच होगा। तो सारे पोजिशन से आपको कार्बन को लिंक करना पड़ेगा, सारे पोजिशन आपको कार्बन को लिंक करना पड़ेगा ठीक है। ठीक, तो सारे पोजिशन में कार्बन लिंक है, अब आपको देखना है कि किसको प्रायोरिटी देना है, किसको प्रायोरिटी देना है। इसमें भी क्या है, जो नीचे का जो बेंजीनिंग है उसमें एक्स्ट्रा कार्बन आपको दिख रहा होगा, उसमें एक्स्ट्रा कार्बन दिख रहा होगा यहाँ पे इस पहले वाले पॉइंट पे, पहले वाले पॉइंट पे एक्स्ट्रा कार्बन दिख रहा है आपको जो कि ऊपर में नहीं है। तो इसमें प्रायोरिटी कौन लेगा, इसमें प्रायोरिटी नीचे वाला लेगा, इसमें भी प्रायोरिटी आपका ये वाला पार्ट लेगा, जिसको भी हम क्या बोलेंगे, तो ए हुआ जेड टाइप। इसमें ऊपर जो प्रायोरिटी लिखा हुआ क्वेश्चन जो कि सॉल्यूशन लिखा हुआ है उसको नहीं लेकर नीचे वाले दोनों को प्रायोरिटी आपको दे देना था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है। क्वेश्चन 11 का हम बात करते हैं, क्वेश्चन 11 नंबर ध्यान है ना, तो पॉइंट है अगर हम इस बॉन्ड का बात करें, इस बॉन्ड के लिए देखो तो यहाँ एक ग्रुप यहाँ पे है और एक ग्रुप ऊपर में है, तो बाकी बाकी जो क्या है, अब क्या लिंक है, हाइड्रोजन लिंक है, तो हाइड्रोजन लिंक है तो हाइड्रोजन से तो ऊपर नीचे प्रायोरिटी हाई होगा ना जी। तो प्रायोरिटी नंबर 1 यहाँ है, 1 यहाँ पे है, तो इस पाई जो नीचे जो राइट का जो पाई बॉन्ड है उसको वो हो जाएगा ई टाइप का। तो यहाँ जो पाई बॉन्ड दिख रहा है उसका दोनों प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर के साइड में है, तो ये हो जाएगा जेड टाइप का, ये हो जाएगा जेड टाइप का ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 का हम बात कर रहे हैं ना, इस पाई बॉन्ड का C3 ऊपर है और H नीचे है और यहाँ पे इसका कार्बन नीचे की तरफ में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E टाइप का, ये हो जाएगा E टाइप का ऊपर यहाँ पे जो ये वाला पाई बॉन्ड है इसका भी क्या, इसका इसका ऊपर है और कार्बन ऊपर में है, नीचे दोनों हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से बेटर, तो हाइड्रोजन से बेटर क्या होता है, कार्बन होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जेड टाइप का, ये हो जाएगा नीचे जेड टाइप का ठीक है। अब ध्यान ना, इस अब इस पाई बॉन्ड को हम का हम कॉन्फिगरेशन पता करना चाहते हैं, तो ऊपर में हम इथाइल है, हम ऊपर में मिथाइल है CH3 और नीचे में इथाइल है, तो ये प्रायोरिटी ले लेगा, तो इसको हम 1 बोल देंगे अपना। तो इस डबल बॉन्ड के बारे में हम बात करना चाहते हैं, तो उसका राइट साइड का प्रायोरिटी हम डिसाइड कर लिए, उसका लेफ्ट में प्रायोरिटी क्या, ध्यान देना, लेफ्ट में दोनों ग्रुप सेम ही है, नीचे साइड भी क्या है सेम ही अटैच था, ऊपर भी सेम ही अटैच था, तो अगर सारा चीज सिमिलर रहेगा तो कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बताना है मेरे को, कि अगर ग्रुप सेम रहेगा, मतलब हम डिसाइड किसका प्रायोरिटी कर रहे हैं, तो हम डिसाइड कर रहे हैं प्रायोरिटी इस बीच राइट वाले बॉन्ड का डिसाइड करना है, जिसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, इसका डिसाइड करना है, इसका राइट का ग्रुप का प्रायोरिटी हम डिसाइड कर लिए कि राइट में ठीक है, नीचे में इथाइल जो है उसको हम प्रायोरिटी 1 बोलेंगे, उसको हम प्रायोरिटी 1 बोलेंगे। तो पॉइंट है कि लेफ्ट में प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होगा, पॉइंट है लेफ्ट में कैसे प्रायोरिटी डिसाइड होगा, क्योंकि देखो कि लेफ्ट में दोनों ग्रुप तो सेम था, तो दोनों ग्रुप सेम है तो कैसे प्रायोरिटी करेंगे, सब कुछ सेम है तो तब क्या करना, जब सब कुछ सेम रहेगा तो जेड को प्रायोरिटी देना ई के ऊपर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए कौन से मैं बता रहा हूँ आपको, व्हेन सेम ग्रुप ठीक है, यानी सेम ग्रुप का मतलब सेम सेट ऑफ एटम्स, सेम सेट ऑफ एटम कनेक्टेड है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी होगा उसमें जेड को प्रायोरिटी लेना है ई के ओवर में, जेड और ई में जेड प्रायोरिटी लेगा,
तो ऊपर में ये है, नीचे में जेड है, तो नीचे में जो जेड है उसको प्रायोरिटी नंबर आप वन बना लेना, उसको आप वन बना लेना। तो राइट में वन है, लेफ्ट में वन है, ठीक है, राइट में वन है, लेफ्ट में वन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे दोनों में है तो ये हो जाएगा आपका जेड हो जाएगा, यानी ये जो पाई वन था भी राइट वाला, उसको जेड कॉन्फिगरेशन का बोलोगे, यानी ये जेड कॉन्फिगरेशन का है, ठीक है। अदा क्वेश्चन थर्टीन, क्वेश्चन थर्टीन में भी क्या होगा, ऊपर का पाई वन ई होगा, नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला जेड होगा, लेकिन ध्यान ना इसमें जो ऊपर और नीचे ग्रुप सेम नहीं है, तो इसका हम डिसाइड करेंगे, तो इसका इस पाई वन के लिए राइट यहाँ पे ई हो जाएगा नंबर वन, और लेफ्ट में चूंकि ग्रुप सेम नहीं है तो आई वाला जो है उसको आप वन बोल दो, यानी ये हो जाएगा वन, इसमें वन में उल्टा तो क्या हो जाएगा, इसका इसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा ई टाइप का, यानी राइट मोस्ट अल्किन का जो कॉन्फिगरेशन होगा वो ई टाइप हो जाएगा। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन फोर्टीन में ध्यान देना, तो ये वाले पाई वन का नंबर हो जाएगा का कॉन्फिगरेशन हो जाएगा ई टाइप का, नीचे वाले पाई वन का हो जाएगा जेड टाइप का। तो राइट मोस्ट जो डबल बॉन्ड है उसको कैसे हम डिसाइड करेंगे जी, तो यहाँ पे एफ और आई है, तो आई को हम नंबर वन बोल सकते हैं, और लेफ्ट साइड में चूंकि दोनों ग्रुप सेम है तो सेम ग्रुप में हम क्या बोलेंगे, तो अगर ग्रुप सेम होगा तो जिसमें जेड होगा उसको प्रायोरिटी लेना, तो जेड यानी पूरे पार्ट को प्रायोरिटी ले सकते हो, यानी ये हो जाएगा वन, तो दोनों वन सेम, तो दोनों का जो हाइस्ट प्रायोरिटी है वो सेम साइड है, तो उसको बोलेंगे इस पाई वन का हो जाएगा जेड टाइप का, क्या हो जाएगा जेड टाइप का, ठीक है। तो ये रहेगा ऑल अबाउट ई एन जेड, ये रहेगा ऑल अबाउट ई एन जेड, ठीक है। तो बच्चों लोग हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा फिर से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्यूमुलिन सिस्टम, क्यूमुलिन सिस्टम किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो हम लोग डबल बॉन्ड सिस्टम देख चुके हैं, ठीक है, उसमें सिस ट्रांस और ई एन जेड समझ में आ चुका हम लोग को। अब से हम लोग क्यूमुलिन सिस्टम में, क्यूमुलिन सिस्टम अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करे तो कैसे करता है, तो ध्यान देना क्यूमुलिन सिस्टम किसको बोलते हैं, ध्यान देना। तो जब भी आपका दो या दो से ज्यादा लगातार डबल बॉन्ड होगा, यानी कंजुगेटिव डबल बॉन्ड अगर सिस्टम में है दो या दो से ज्यादा, तो उसको बोलते हैं क्यूमुलिन सिस्टम, ठीक है। जैसे मान ले कि देखो दो बॉन्ड हो गया लगातार, इसमें लगातार कितना हुआ, तीन बॉन्ड हो गया, तो अगर जब भी दो या दो ज्यादा लगातार बॉन्ड्स है उसको बोला गया क्यूमुलिन सिस्टम, उसको बोला गया है क्यूमुलिन सिस्टम, ठीक। अब ध्यान देना तो क्यूमुलिन सिस्टम को फर्दर यहाँ पे दो पार्ट में ऐसे लिखा हुआ है कि अगर मान लेते हैं लगातार दो बॉन्ड होगा तो उसको बोलते हैं एलिन, उसको हम एलिन्स बोलते हैं, एलिन्स नाम रखा गया है, ठीक है। तो जब भी, और इसमें कोई पॉसिबिलिटी ऐसा भी नहीं है, आप दो से ज्यादा ले सकते हो, तीन चार पाँच छः कितना भी कॉन्जुगेटिव बॉन्ड को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान, तो बोला गया कि कौन सा सिस्टम ज्योमेट्रिकल शो करेगा, कौन सा सिस्टम ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा, तो बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक। जब भी आपका पाई बॉन्ड का नंबर, तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है तो आपका जो पाई बॉन्ड का जो नंबर है, यानी जो पाई बॉन्ड का नंबर का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये पाई बॉन्ड का नंबर का हम बात कर रहे हैं, उस पर फोकस करना आप लोग। तो बोला गया है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या तो ऑड होगा तो इवन होगा, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, ठीक है। तो बोला गया है कि अगर अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर ऑड होगा, तो ऑड सिस्टम क्या होता है ना, ऑड सिस्टम जो रहेगा उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, तो वो शो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जो भी ऑड रहता है, तो ध्यान देना आप इस चीज समझना आपको है, तो क्यूमुलिन सिस्टम में अगर पाई बॉन्ड का नंबर, पाई बॉन्ड अगर इवेन होगा तो क्या होता है, ध्यान देना, इवेन होगा तो ध्यान देना, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे हम इसमें ग्रुप अटैच कर दे रहे हैं, यहाँ पे ए बी दो ग्रुप अटैच किया हुआ है, यहाँ पे ए और बी दो ग्रुप अटैच किया हुआ मान लेते हैं, ठीक है। तो लॉजिकली ऐसा लग रहा है कि ऐसा, या तो अगर मान लेते हैं कि लेफ्ट एंड राइट में ए बी है, तो इसमें ऐसा पॉसिबिलिटी है, इसमें हम ऐसा एक ऐसा पॉसिबिलिटी हम ड्रॉ कर सकते हैं,
ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर बी कर देंगे हम, ठीक है, ऊपर बी कर दिए, नीचे ए कर दिए यहाँ पे राइट में, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो था वही छोड़ दिए। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों फिगर ज्योमेटिकल है, ऐसा लग रहा है कि दोनों फिगर एसिस टाइप का है, ट्रांस नीचे ट्रांस टाइप का ऐसा लग रहा है आपको, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, क्यों नहीं होता जानना, इस सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, समझना क्या पड़ेगा। तो अगर इस कुमली सिस्टम को तुम ध्यान से देखोगे तो आपका बीच वाला कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है, राइट वाला का sp2 है और लेफ्ट वाले का भी sp2 है। अब इसके बॉन्ड को हम थोड़ा ड्रॉ करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो अगर इसे ऑर्बिटल डायग्राम तुम ड्रॉ करोगे तो अगर मान लेते हैं कि बीच वाला कार्बन अगर ऐसा है तो ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। तो चूंकि लेफ्ट वाला कार्बन sp2 था तो उसका जो दोनों ऑर्बिटल होगा वो 120 होगा, तो 120 में तो उसका दोनों ऑर्बिटल हम ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो उसको हम लाइन से दिखा दे रहे हैं, उसको हम लाइन से दिखा दे रहे हैं, तो 120 में है, तो ये तीन बॉन्ड इस कार्बन का 120 में होगा, और यहाँ भी कार्बन का जो तीन बॉन्ड होगा ये भी 120 में होना चाहिए। अब ध्यान ना, ये सारा हम सिग्मा बॉन्ड दिखा रहे हैं, पाई बॉन्ड पे बात करता हूँ लोग, तो ध्यान ना, जो लेफ्ट मोस्ट कार्बन उसका ये हो गया पी, राइट मोस्ट जो कार्बन उसका जो वैकेंट पी है, मतलब जो पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करे उसको मैंने दिखा दिया। जो बीच वाला कार्बन था, बीच वाला का जो कार्बन था उसका दो, चूंकि sp था तो उसका दो पी होगा जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसका दो पी ऑर्बिटल होगा जो कि हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो उन दोनों पी को हम दिखा सकते हैं प्लेन के परपेंडिकुलर, तो एक पी ऐसा होगा और एक पी आप ऐसा दिखा सकते हो, एक पी को आप ऐसा दिखा सकते हो, मतलब ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान ना, अगर मान लेते हैं कि लेफ्ट वाला कार्बन जो बीच वाला कार्बन से पाई बॉन्ड बनाया तो ऐसे पाई बॉन्ड बना लिया, यानी जो ग्रीन कलर में जो ऑर्बिटल है उससे ओवरलैप कर लिया, तो जो राइट मोस्ट कार्बन है उसके पास अब पॉसिबिलिटी नहीं बचा। अब चूंकि बीच वाला कार्बन का ग्रीन ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हो चुका है तो उससे ये ब्लू कलर का जो ऑर्बिटल ऑक्यूपाई तो कर नहीं पाएगा, तो अगर ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा तो उसको अपने पाई बॉन्ड अगर उसको बनाना है तो अपने ऑर्बिट को घुमाना पड़ेगा, यानी पूरा घुमाना पड़ेगा सिस्टम को, उसको रोटेट करना पड़ेगा, ताकि उसका जो प्लेन है और बीच वाले में देखोगे एक एक मैंने ऑर्बिटल ड्रॉ किया हुआ है इस तरीके से, जो जिसको मैं पिंक कलर से मैं मार्क कर दे रहा हूँ, जिसको मैं पिंक कलर से ही मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपको दिख रहा हो पिंक कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो इस कार्बन जो लेफ्ट मोस्ट कार्बन का मैं बात कर रहा हूँ, इसका ऑर्बिटल क्या है, उस जो पिंक कलर का जो ऑर्बिटल मैं मार्क किया उसके परपेंडिकुलर में है, तो पाई बॉन्ड को बनने के लिए दोनों का ऑर्बिटल का जो प्लेन होगा सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए क्या होता है, जो लेफ्ट मोस्ट जो राइट मोस्ट कार्बन है उसको घूमना पड़ेगा, यानी 90 से रोटेट करना पड़ेगा, तो ना ये घूमेगा, तो अभी क्या था, अभी सिचुएशन क्या था कि, तो घूम के उसको बॉन्ड बनना पड़ेगा, तो ध्यान देना, अभी जो है अभी सिचुएशन क्या था कि यहाँ पे अगर ग्रुप को अटैच कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे अगर इसको हम ए बोल रहे हैं इसको हम बी बोल दे रहे हैं, और यहाँ पे इसको हम ए बोल रहे हैं इसको बी बोल दे रहे थे, तो ये दोनों अभी ये सारा सिस्टम प्लेन में था, लेकिन जब घूमेगा तो क्या होगा, तो घूमेगा तो प्लेन से बाहर चला जाएगा जी, तो ये पाई बॉन्ड बनने के लिए घूमना पड़ेगा, तो घूमना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो लेफ्ट कार्बन का जो बॉन्ड्स है दो बॉन्ड है, और राइट का जो दोनों बॉन्ड है वो दोनों वो सारा एक प्लेन में नहीं है, वो सारा एक प्लेन में नहीं है, मतलब यहाँ का प्लेन अगर देखेंगे तो उसका प्लेन उल्टा होगा, ठीक है, मतलब दोनों का जो प्लेन होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल होगा तो यहाँ जो दो ग्रुप होगा, तो अगर ए बी अगर हॉरिजॉन्टल में आते हो तो यहाँ का जो ए बी होगा वो वर्टिकल में होगा, और ए बी का प्लेन क्या होगा, ये वर्टिकल प्लेन में होगा, ठीक है। तो फॉर द टाइमिंग हम क्या कर रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए हम दिखाने के लिए ब्लैक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, चलो ठीक है, तो ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए, और यहाँ पर जो लाइन होगा उसके लिए हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ग्रीन लाइन, ये हो जाएगा वर्टिकल प्लेन के लिए, तो ए बी वर्टिकल प्लेन में है, ये आपको समझना पड़ेगा, यानी इसका मतलब ध्यान देना कि यहाँ का जो ए बी है और ए बी यहाँ का जो ए बी है प्लेन में है ही नहीं, प्लेन में है ही नहीं, तब जब प्लेन में नहीं होगा तो आप उसको ऐसे लिखो, ध्यान देना, जैसे मान ले कि ये दोनों का प्लेन अलग है और ये दोनों का प्लेन अलग है, तो यहाँ पे ए बी हो गया और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, आप ए बी बोल रहे हो बट दोनों का प्लेन अलग है। तो अब ध्यान देना, अगर कोई इसी में ऐसा सोचेगा, इसी में कोई ऐसा सोचेगा कि हम ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे कार्बन कार्बन अटैच करेंगे
और ऊपर बी कर देते हैं और नीचे ए कर देते हैं, तो कुछ नया बनेगा? तो हम बोले कुछ नया नहीं बनाओगे आप, क्योंकि दोनों का प्लेन क्या, दोनों का प्लेन क्या है, सेम नहीं है। तो ए दो ए प्लेन ए ए बी बॉन्ड ए बी ए ए बी बॉन्ड आपस में क्या परपेंडिकुलर में है, प्लेनर तो है नहीं। तो आप अगर पोजिशन चेंज भी करोगे तो आप बस वो दोनों फिगर सेम ही फिगर होगा, इक्वलेंट फिगर होगा, यानी इसमें कुछ आप नया चीज नहीं बना रहे हो। आप देखना दो बॉन्ड पोजिशन चेंज करना मतलब उसमें बस रोटेशन के इक्वलेंट है, उसमें कुछ नया चीज आप बना नहीं रहे हो। ये चीज आप अप्रिशिएट करो शीट को, मतलब बोले कि इस ए और बी, इस बी को हम इस बी के पोजिशन को एक्सचेंज कर देंगे तो कुछ नया नहीं बनेगा, सेम ही चीज रहेगा। ठीक है, जब भी इवेंट सिस्टम रहता है तो आपका ए और बी को ऊपर एक्सचेंज करोगे तब भी आप नया चीज नहीं बनाओगे, तब भी आप नया चीज नहीं बनाओगे, आप सेम ही चीज रहेगा। इसका मतलब जब भी कुमलिन सिस्टम में नंबर पाई बॉन्ड इवन रहेगा तो आप बोलोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा ये। तो कुमलिन सिस्टम ज्योमेट्रिकल कब नहीं शो करता है, जब उसका पाई बॉन्ड का नंबर क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, ठीक है, इवन आप जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन होता है उसको उसको शॉर्ट में सो सकते हो। इवन सिस्टम इज जस्ट लाइक टेट्राहेड्रल सिस्टम, यानी आप क्या कर सकते हो, जो यहाँ पे जो ही पाई इवन बॉन्ड दिख रहा है ना, इस पूरे बॉन्ड को आप रिप्लेस कर सकते हो पॉइंट से। ये पूरा बॉन्ड रिप्लेस होगा एक पॉइंट से, ठीक है, ये पूरा बॉन्ड रिप्लेस होगा एक पॉइंट से। यहाँ पे ए बी है, ऊपर ए बी रहेगा, तो पूरा बॉन्ड रिप्लेस होगा पॉइंट से। तो बोल रहे हैं इस पूरे बॉन्ड, ये जो पूरा इवन सिस्टम उसको रिप्लेस कर दो पॉइंट से आप, ठीक है। और यहाँ पे जो ए बी था उसको ए ऐसे कर ले, बी ऐसे कर ले, और यहाँ का जो ए बी है तो एक को अंदर कर ले और एक को बाहर कर ले। तो इसको तुम इस सिस्टम से आप इक्वेट कर सकते हो, यानी इसको टेट्राहेड्रल सिस्टम मान सकते हो। और आप जानते हो कि टेट्राहेड्रल सिस्टम कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, तो इसलिए इवन सिस्टम यानी इवन जब भी सिस्टम होगा तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, किसी भी केस में ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। प्लस इसमें एक और खास बात है कि इवन सिस्टम में जो ए बॉन्ड है, यानी लेफ्ट लेफ्ट एटम का जो बॉन्ड है कार्बन एटम का, और जो राइट एटम का जो बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या है, नॉन प्लैनर है, ये क्या है, नॉन प्लैनर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि ए और बी और यहाँ का ए बी प्लेन में है क्या, तो बोलो नहीं, ये दोनों प्लेन में नहीं है, ये दोनों क्या है, बॉन्ड प्लेन नॉन प्लेनर में है, ठीक है कोई, ठीक है। तो और हम क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि इस सिस्टम में कितना मैक्सिमम एटम एक प्लेन में हो सकता है, तो मैक्सिमम एटम प्लेन में कितना हो सकता है, ध्यान रखना। अगर इस ये तीन कार्बन तुम प्लेन में रखोगे तो इस तीन कार्बन के साथ तुम प्लेन में, अगर इस ए बी को लोगे दूसरा ए बी प्लेन में नहीं आएगा, दूसरा ए बी प्लेन में नहीं आएगा, ठीक है। यानी मैक्सिमम जो एटम प्लेन में हो सकता है इस केस में तीन कार्बन एटम, और प्लस लेफ्ट का ए बी लोगे तो राइट का ए बी नहीं आएगा, और राइट का ए बी को लोगे तो लेफ्ट का ए बी नहीं आएगा। तो टोटल क्या होगा, मैक्सिमम इस केस में मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा फाइव इस केस में, ठीक है। तो ये और रहेगा ऑल अबाउट इवन, जब भी इवन बॉन्ड रहेगा तो ऐसा सोचेंगे आप। आते हैं ऑड बॉन्ड पे, आते हैं हम लोग ऑड बॉन्ड पे। जब भी क्यूमलिन सिस्टम होता है, चलो क्यूमलिन सिस्टम में अगर पाई बॉन्ड का नंबर अगर ऑड रहेगा, क्या रहेगा, चलो अगर ऑड रहेगा तो क्या सोचेंगे, ध्यान देना। तो इसमें भी देखा गया है कि मान लेते हैं ऑड मतलब तीन, तो इसमें देखा गया है कि यहाँ का जो ए बी लोगे और यहाँ का जो ए बी लोगे, ए बॉन्ड क्या है, ए बॉन्ड प्लेन में होता है, यानी यहाँ का ए बी और यहाँ का ए बी क्या है, ए प्लेनर है, क्या है, प्लेनर है, तो प्लेनर है, ठीक है, यानी इन प्लेन है। इसका मतलब इसमें और इसमें दो, ये दो अलग अलग फिगर है, ये दो अलग अलग फिगर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो अलग अलग फिगर है, तो दिस कैन शो जी ए, जब भी
ऑड रहेगा और इन पॉइंट का जो कार्बन है उस पर जो दो ग्रुप अटैच है वो दोनों अलग होना चाहिए, यानी ज्योमेट्रिकल का जो बेसिक कंडीशन है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ज्योमेट्रिकल बेसिक कंडीशन क्या होता है, दोनों ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट होना चाहिए। उस केस में सिस्टम क्या होगा, ज्योमेट्रिकल शो करेगा, यानी जब पाई वन ऑड रहेगा दिस कैन शो ज्योमेट्रिकल, दिस कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमॉर्फिज्म। इसको तुम कैसे सोचोगे, तो जब भी पाई वन का ऑड होगा तो इस पूरे और सिस्टम को ऑड को यू कैन एज्यूम एज्यूम एज सिंगल कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। इसको सिंगल डबल बॉन्ड से आप रिप्लेस कर सकते हो, मतलब सिंगल डबल बॉन्ड का जो आपका आउटकम आएगा उसे मैच करेगा। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि पूरा का सिस्टम को आप रिप्लेस कर सकते हो सिंगल पाई बॉन्ड से, यानी पूरा सिस्टम ऐसा हो जाएगा। इसको पैसा सोच के बनाओ क्वेश्चन, जो आंसर यहाँ से आएगा वही आंसर यहाँ पर आप बोल सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ जो सिस्टम है इस सिस्टम को आप ऐसे दिखा सकते हो, इस सिस्टम को आप ऐसे दिखा सकते हो, सिंगल पाई बॉन्ड से रिप्लेस कर दिए, तो यहाँ ए बी है तो यहाँ पे ए बी सोच सकते हैं, मतलब ऐसा आप सोच सकते हो। तो यहाँ यहाँ का जो आंसर आएगा वो आंसर करेक्ट रहेगा। तो अगर यानी जब भी आपका कम्युनल सिस्टम का पाई बॉन्ड का नंबर जब भी आपका ऑड रहेगा तो उसमें ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है, ठीक है। बस अतः कंडीशन क्या है, इन पॉइंट का जो कार्बन है उस पर जो जो दो ग्रुप अटैच होगा वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव सिस्टम में कोई से ऊपर प्रॉब्लम है, ठीक है। लक्ष्मी बच्चा कोई दिक्कत है बच्चा, आप आपको प्रत्युषा मधु, ठीक है। तो आप लोग क्लियर है यहाँ पे सबको, तेरा ऑल अबाउट क्यूमुलिन सिस्टम, ठीक है। तो क्यूमुलिन सिस्टम इजी समझाया हुआ आपके पास, ठीक है। जब भी और रहेगा पाई बॉन्ड तो उसको आप एज्यूम कर सकते हो सिंगल पाई बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हो, तो आपको ज्योमेट्रिकल शो करेगा। जब भी इवन रहेगा तो आपको उसमें ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, कोई चाहे कोई भी केस हो, ठीक। तो ए रहेगा ऑल अबाउट क्यूमुलेशन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कभी कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्फिज्म में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस वाले केस में दो एग्जाम्पल के सामने मैं ले रहा हूँ, एक होता है बाईफिनाइल सिस्टम और एक होता है ट्राईफिनाइल सिस्टम, ठीक है। जो बाईफिनाइल ट्राईफिनाइल सिस्टम का जो क्वेश्चन है वो आपके नीट में आ चुका है, आपके नीट एग्जाम में आ चुका है, जेई मेन में अभी तक नहीं पूछा हुआ बट नीट में आ चुका है, 2016 के एग्जाम में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड है कि जेई मेन में तो पूछ ही सकता आपसे, तो ध्यान रहा यहाँ पे कैसा आपको सोचना बता रहा हूँ मैं। तो पहले मूव करता हूँ लोग बाईफिनाइल सिस्टम पे, ठीक है। तो ध्यान ना, ज्योमेट्रिकल होने का बेसिक कंडीशन क्या था ना, कि आपका बॉन्ड रोटेशन क्या होना चाहिए, बॉन्ड रोटेशन में हिंड्रेंस होना चाहिए, यानी बॉन्ड घूमना नहीं चाहिए, ठीक। अब दिमाग सेट रखना कि ज्योमेट्रिकल हम पहले सीखे थे कि बॉन्ड अगर घूमेगा ना तो फिगर आपस में इंटरचेंज कर जाएगा, तो बॉन्ड रोटेशन अगर अलाउड होगा तो फिगर आपस में क्या होगा, इंटरचेंज कर जाएगा, यानी सेम फिगर क्या होगा, खुद को इंटरचेंज कर सकता है। तो अगर सेम फिगर खुद को चेंज कर लेगा तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कैसे करेगा, क्योंकि आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि दो अलग अलग फिगर, तो सेम फिगर ही घूम के दूसरे फिगर में कन्वर्ट कर जाएगा, तो उसको हम आइसोमर्स नहीं बोलते, उसको हम कॉन्फॉर्मर्स बोलते हैं। तो बॉन्ड रोटेशन अगर अलाउड होगा तो वो आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। पहला बेसिक कंडीशन जो आपको बताया हुआ है कि बॉन्ड रोटेशन क्या होना चाहिए, बॉन्ड रोटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, तो अगर हम बात करें बाईफिनाइल सिस्टम पे, ठीक है। तो बाईफिनाइल सिस्टम होता क्या है कि अगर मानते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है बाईफिनाइल सिस्टम पे, ठीक है। तो ध्यान दोगे इस सिस्टम में ऊपर में लगा दिए बी और यहाँ लगा दिए ए और यहाँ पे ए और यहाँ बी कर दिए, ठीक है। और वो हम बोल रहे हैं कि यह एक ऐसा कंपाउंड ऐसा पॉसिबल है कि जिसमें उल्टा कर सकते हम लोग, तो हम बोल रहे हैं कि ये ज्योमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे बी कर दिए, यहाँ पे ए कर दिए और उल्टा यहाँ पे कर दिया, बी और यहाँ पे ए कर दिया, तो अब इसमें ज्योमेट्रिकल होगा कि नहीं, इसमें ज्योमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं,
इसमें दो केस ले रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं कि ए और बी बहुत छोटा होगा, ए और बी बहुत छोटा होगा, यानी ए और बी ग्रुप अगर स्मॉल है, तो उसमें क्या होता है, सिस्टम प्लेन में है, सिस्टम प्लेनर है, तो सिस्टम प्लेनर तो इसमें ज्योमेट्रिकल होना चाहिए था, बट दिक्कत क्या है ना, मतलब प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें बॉन्ड घूम सकता है, ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये दोनों जो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड घूमेगा तो क्या होगा, ये दोनों फिगर आपस में इंटर कन्वर्ट कर लेगा, क्या करेगा, इंटर कन्वर्ट कर लेगा, तो ये दो अलग फिगर नहीं होगा, सेम फिगर ही घूम के दूसरे में चेंज हो जा रहा है, तो इस केस में ज्योमेट्रिकल नो ज्योमेट्रिकल क्या बोलेंगे, नो जी आई, नो ज्योमेट्रिकल इसमें शो करेगा, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक। तो चूंकि बॉन्ड रोटेशन अलाउड होता है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेंस शो नहीं करता है, ठीक है। तो पॉइंट है, तो बाइफिलियल सिस्टम ही देखते हैं, अगर मान लेते हैं ए और बी बल्कि हो गया, बड़ा हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है, तो ध्यान देना, तो ए और बी बल्कि लेवल होगा, तो होता क्या है, तो उस केस में दोनों ग्रुप दोनों आपस में रिपेल करेगा, यानी एक एक बाइफिलियल सिस्टम एक फिनल सिस्टम दूसरे को रिपेल करेगा, तो रिपेल करते यानी यहाँ पे बड़ा ग्रुप ए और बी को हम बड़ा कर दिए, यहाँ के ए और बी को हम बड़ा कर दिए, तो दिक्कत क्या होगा कि ये अगर बल्कि होगा और ये बल्कि होगा, तो ये आपस में रिपेल करेगा, रिपल्सन से बचने के लिए क्या होता है, ये बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड घूम जाता है, घूमेगा तो क्या होता है कि आपका बेंजीनिंग का जो प्लेन है, एक बेंजीनिंग का जो प्लेन है और दूसरे जो रिंग का प्लेन है वो सेम प्लेन में नहीं होता है, दोनों का प्लेन अलग अलग हो जाता है, तो अलग अलग हो जाते क्या होगा, यहाँ का जो दो बॉन्ड है, यहाँ का जो दो बॉन्ड है प्लेन में रहा नहीं, ठीक है, तो यहाँ ए बी है, तो यहाँ ए बी लेंगे, तो यहाँ पे दोनों का प्लेन अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन प्लेनर, तो आपको पता है कि नॉन प्लेनर जो होता है, तो नॉन प्लेनर जो होगा, ठीक है, तो नॉन प्लेनर सिस्टम जो रहेगा उसमें ज्योमेट्रिकल अलाउ होता ही नहीं है, क्योंकि आप उसमें कुछ तो कुछ भी करोगे, तो ए बी का प्लेन वहाँ ए बी का प्लेन दोनों का अलग अलग प्लेन में है, तो उसको अगर आप ए और बी को एक्सचेंज भी करोगे, यानी इसको आप यहाँ से यहाँ चेंज कर दोगे, तो कुछ नया नहीं बनेगा, वो सेम ही रह जाएगा, ठीक है, तो इसमें होता है कि दोनों का प्लेन अलग अलग हो जाता है, तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब इसका छोट छोट इसको शॉर्ट कर दिया जाए, जो भी हम लोग अभी पढ़े हैं इसको छोटा कर देते, इसका मतलब पूरा ये है कि जब भी आपके पास बाइफिलियल सिस्टम होगा, बाइफिलियल सिस्टम का कोई भी केस में ज्योमेट्रिकल कभी नहीं होगा, ठीक है, तो बाइफिलियल सिस्टम के किसी भी केस में ज्योमेट्रिकल मत करना, ठीक है, यानी छोटा ग्रुप हो बड़ा ग्रुप हो, सिंपल सा बात है कि बाइफिलियल सिस्टम नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये ध्यान देना। आते हैं ट्राइफ्लेन सिस्टम पे, तो ट्राइफ्लेन सिस्टम का ध्यान देना, तो गौर करना कि ये जो लेफ्ट का जो फिनाइल सिस्टम है और जो राइट का फिनाइल सिस्टम है, और ये बीच फिनाइल ग्रुप होता है, बीच वाले ग्रुप में कुछ नहीं रहेगा तो क्या होगा, सिंपल सा चीज़ है कि यहाँ पर रोटेशन होगा, यहाँ रोटेशन होगा, तो बॉन्ड रोटेशन अलाउड है, तो फिगर इंटर कन्वर्ट कर सकता है, तो चूंकि इसमें रोटेशन अलाउड होगा, तो रोटेशन अलाउड होगा तो क्या होगा, जो लेफ्ट में जो ग्रुप बनाया हुआ है और राइट में जो ग्रुप बनाया हुआ है आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए ए फिगर तो ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा। अगर हम ऐसा कुछ सोचते हैं कि बीच वाले लेफ्ट में ग्रुप ए बी जोड़ दें और बीच में भी एक्स वाई जेड डब्ल्यू हम ग्रुप को जोड़ दें, ये सब बल्कि ग्रुप है, और राइट में भी ए बी जुड़ा हुआ, राइट में भी ए बी जुड़ा हुआ, अब ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि ये जो एक्स है, वाई है और डब्ल्यू जेड है, ये सब बल्कि ग्रुप हो गया, तो ये बल्कि ग्रुप रिपेल करेगा अपने राइट राइट वाले रिंग को भी रिपेल करेगा और लेफ्ट लेफ्ट वाले रिंग को भी रिपेल करेगा, दोनों जगह रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन से बचने के लिए जो लेफ्ट का जो रिंग है बीच वाले रिंग के रिस्पेक्ट में उसके प्लेन के परपेंडिकुलर चला जाएगा, और सिमिलरली जो राइट वाला जो रिंग है वो भी क्या होगा, वो भी प्लेन रिपल्सन से बचने के लिए बीच वाले रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर चला जाएगा, तो इसका आउटकम क्या होगा, इसका आउटकम होगा जो लेफ्ट मोस्ट रिंग है और जो राइट मोस्ट रिंग है, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों सिस्टम क्या हो जाएगा, इन प्लेन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इन प्लेन आ जाएगा, दोनों बन गए प्लेनर। अब चूंकि रिपल्सन ज्यादा कब होगा, प्लेन में आने पर रिपल्सन होगा, तो दोनों में क्या है, रोटेशन ब्लॉक हो जाए, क्यों, क्योंकि अगर मान लेते हैं रोटेशन करेगा सिस्टम, तो उसको इस प्लेन फिगर से इसको हाई हिंड्रेंस से क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब अगर अगर रोटेशन करेगा तो बार बार इसको जब प्लेन में आएगा तो रिपल्सन बढ़ेगा,
तो इस रिपल्सन से बचने के लिए रोटेशन ब्लॉक हो जाता है, यानी सिस्टम का रोटेशन ब्लॉक हो चुका है। तो अगर बीच वाले रिंग में अगर बल्कि ग्रुप को आप ऐड कर दोगे तो इससे क्या होगा, लेफ्ट और राइट का जो रिंग है उसका रोटेशन ब्लॉक हो चुका है। और प्लस क्या होगा, प्लस क्या होगा कि लेफ्ट और जो राइट रिंग है वो दोनों क्या होगा, दोनों का जो सिस्टम है, तो लेफ्ट और राइट रिंग का जो सिस्टम है वो प्लेन में भी आ चुका है। तो अगर यहाँ ए बी है और यहाँ बी है और यहाँ पे ए बी कर दे और यहाँ पे बी ए कर दे, तो ये दोनों ग्रुप आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। कब नहीं कर पाएगा, जब एक्स वाई जेड डब्ल्यू सब बल्कि होगा और ए और बी भी बल्कि होगा। तो सारा बल्कि होगा तो उसके इसमें रोटेशन क्या होगा, ब्लॉक होगा, और सारा सिस्टम क्या होगा, इन प्लेन रहेगा। तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का चांस हो जाता है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो ट्राई प्लेन सिस्टम ज्योमेट्रिकल कब शो करेगा, जब बीच वाले रिंग में और अपने साइड वाले रिंग में बल्कि ग्रुप अटैच होगा, तभी शो करेगा, तभी ये शो करेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो बल्कि ग्रुप का मतलब एग्जांपल आपको दिखा दे रहे हैं। तो बल्कि ग्रुप का मतलब हो जाएगा, तो बल्कि ग्रुप का मतलब ध्यान देना SO3H COH नाइट्रो हैलोजन में आयोडीन ब्रोमीन, ये सब बल्कि ग्रुप मानते हैं। इवन क्लोरीन बल्कि ग्रुप के अंदर आ जाएगा। ये सब ग्रुप बल्कि है, ये सब ग्रुप पर हो तो चलेगा, लेकिन आप बोलोगे छोटा ग्रुप डाल दें तो नहीं होगा। तो छोटा ग्रुप रहेगा उसे मत करना। ये सारा कब होगा, जब बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होगा तभी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग का बाइफिनाइल सिस्टम एंड ट्राइफिनाइल सिस्टम कवर हो गया इसके साथ। ठीक है, तो आज के क्लास लिए इतना ही रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है।